नमस्कार, म्यूजिकल हेरिटेज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कथक की जानी मानी डांसर पद्मश्री शोभना नारायण जी से। शोभना जी, बातचीत शुरू करें इससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शोभना जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप लखनऊ घराने से हैं। कथक की जो एक परिभाषा है या कथक की जो आम समझ है लोगों की, वो ये है कि राधा कृष्ण का प्रेम, रासलीला। लेकिन इतने सालों तक कथक में रमने के बाद, उसकी साधना करने के बाद, आपको क्या लगता है कि ये जायज़ है, ये सही है कि कथक को सिर्फ रासलीला तक सीमित करके सोचा जाए? देखिए, कथक जो है बिल्कुल आप उसको सीमित नहीं कर सकते। वो जीवन की तरह है, वो एक नदी की प्रवाह है, वो प्रवाह चलती जा रही है। अगर आप कृष्ण राधा की आपने जिक्र किया, तो 12वीं शताब्दी के पहले कृष्ण राधा का जो एक जो प्यार है वो उसके पहले था ही नहीं। जयदेव ने उसे बनाया और वो हमारे मन के अंदर बस गया और वो वहाँ से परंपरा शुरू हो गई। लेकिन कथक की परंपरा तो उससे पहले की है। जो अभी तक जो मिलता है, जो अभिलेख है, वो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी अर्ली मौर्य काल की है, 2500 वर्ष पहले की है। और वो है कि गंगाए महानदीये तटे सब वो कथक भिंगार्ण तेनम स्तुति तीसी कायम ए ही राया आदि ना हो भावेनम पसई। और फिर महाभारत में भी है, 3 पर्व में है, आदि पर्व, अनुशासनिक पर्व और सभा पर्व। कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च मनोकसद व्याख्यानानि ये चापी पठंती मधुरं दुजा। तो ये कथक की परंपरा 2500 वर्ष से भी अधिक से चली आ रही है, तो वो प्रवाह है, तो आप उसको सीमित कैसे कर सकते हैं। और उसमें जो कथा वाचन का है, कथा बिल्कुल हमारी भारतीय पद्धति में हम लोग भगवान की लीलाएं के ज़रिए हम वैल्यूज़ देते हैं, अपने आप को भी शुद्ध करते हैं मन के, और फिर दूसरे को भी वैल्यूज़, तो हम तो एक माध्यम बन गए। तो वो उसमें तो हर चीज़ आती है, तो उसमें तो बहुत सारी लीलाएं हैं और विस्तृत है। आप कोई भी थीम उठाए, लेकिन उसमें मेन चीज़ है कि इंसानियत की बात होती है, नैतिकता की बात है, और वो जो भी जो इंसान को ऊँचा एक पटल पर ले जाए। लेकिन शोभना जी, कथक का जो आधार है, जो मूल आधार है, वो तो लोक नृत्य ही है, यही समझा जाए। हर चीज का आधार जन से आती है। जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, जितने भी संगीत शैलियां हैं, वो जनता से ही आती है, जन से ही आती है। और कथक का जो है वो एक तरह से आप जो भी आप कह लें, क्योंकि ओरिजिनल कथक मंदिर के पुजारी थे, जो भगवान की लीलाओं को बाँचते बाँचते ऐसे भाव विभोर हो गए कि वो नृत्य करने लगे, तो वो तो वहीं से एक फॉर्म निकला और वो आगे जाकर के एक उसमें फिनेस आ गया, एक डेवलप्ड फॉर्म आ गया, और जिसको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। तो वो उसके, लेकिन बुनियाद जो है, बूंद तो कहीं एक इम्प्रोवाइजेशन से शुरू हुआ था, एक भावना से शुरू हुई थी, और वो जाकर के आगे जाकर के डेवलप करके एक शास्त्रीय नृत्य का फॉर्म लिया। और ये जो फॉर्म है, जो कथकों का जिक्र जो है कि वो हमारे आथर बैरियडेल कीथ ने भी कहा है कि वो जो उन लोग कह रहे हैं, वो एक तरह से वो एकदम भाव की जो है वो सब्लिमिटी की तरफ ले जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ का जन्म कहीं होता है, बूंद कहीं है, सोर्स कहीं है, लेकिन वो मेन मुद्दा है कि वो किस तरह से डेवलप करता है, और वो डेवलपमेंट जो है वो शास्त्रीय रूप में हुआ। आप घराने से हैं, कथक के जाने माने घराने से हैं, मेरा सवाल ये कि क्या कभी ऐसा होता है कि एक टकराव हो, टकराव इस सूरत में कि घराना कुछ और कहता हो और अंदर का जो एक थिंकिंग आर्टिस्ट है, जो अलग कुछ सोचने की बात करता है, एक अलग खुशबू की बात करता है अपनी कला के, वो जो उसकी सोच है और जो उसकी घराने की परंपरा है, उसमें कहीं से कोई टकराव हो? क्या इस तरह का कोई टकराव कभी होता है क्या? नहीं, देखिए, तोड़ने की बात अलग होती है, लेकिन परंपरा में रह करके अपनी बात कहना अलग होती है। और ये अगर जो मेरे लिए, अगर मैं अपना ही बात कहूँ कि बचपन 2.5 साल की उम्र से मैं कथक में हूँ, और वो कथक तो मेरे लिए हर चीज़ है,
मेरी सोच है, मैं अगर हाथ उठाऊंगी तो कथक है, मैं सोचूंगी तो वो तोरे टुकड़े और परन और ये सब वही सब मैं करूंगी, वो तिहाई वो, तो हर चीज़ वो कथक ही कथक है। तो लेकिन मेरी अपनी भी तो सोच है, हम कोई वैक्यूम में नहीं रहते, ना आप रहते हैं ना हम रहते हैं ना कोई और रहता है। हमारी सोच हमारे वातावरण को इम्पैक्ट करता है, वहाँ जो वातावरण है हमें इम्पैक्ट करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम क्या। तो वो कथक मेरे लिए माध्यम बन जाता है, बाधा नहीं, माध्यम है। जो मैंने सीखा वो मेरे लिए मेरी लैंग्वेज है, मेरी भाषा है, वो भाषा जिसके ज़रिए मैं अपनी अंदर की फीलिंग्स इमोशंस को व्यक्त कर सकती हूँ। तो उसमें कहीं टकराव है ही नहीं। थोड़ी देर पहले हम लोग शोभना जी बात कर रहे थे कथक की जो आम परिभाषा है, रास लीला या फिर कृष्ण राधा का प्यार उसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन आपने उसको उससे बाहर निकाला, आपने उसकी छवि बदली, आप उसको एक तरीके से नृत्य का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसकी तरफ गई। आपने गांधी जी पर काम किया, आपने स्वामी विवेकानंद पर काम किया, कैसे ये क्या सोच थी जो जिसके तहत आपने ये किया? क्या कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग करना है, या बस ये होता गया और फिर उसने भी अपना एक शक्ल ले ली उस कला ने भी? पहले तो आपके कि कुछ करना है ये मेरे अंदर नहीं है, मैं वही करती हूँ जो यहाँ से नेचुरली उभर के आता है। क्योंकि अगर आप कहें कि आपको ये करना है और ज़बरदस्ती, तो वो फिर अगर मन ना हो तो फिर होगा, जब तक यहाँ अंदर से ना हो वो नहीं। सिर्फ आपने गांधी की बात कही, गांधी ने क्या कहा, बहुत चीज़ें कहीं जो आपको और हमें सोचने में मजबूर कर देता, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ वो है। आपने कहा हम कृष्ण की लीलाएं करते हैं, वही महाभारत करते हैं, वही द्रौपदी चीरहरण करते हैं, वो ट्रेडिशन में आ गया। लेकिन जब गांधी के और उसमें कहा कि हमारा अगर कोई रंभा, उनकी जो नौकरानी थी, वो अगर सवाल कर रही है कि आप छुआछूत कर रहे हैं, मुझे दूर रख रहे हैं, लेकिन जब रेप करना हो, बलात्कार करना हो, तब फिर आपकी छुआछूत की सीमाएं आप मिट जाती है, क्यों क्यों? तो वहाँ फिर वही द्रौपदी चीर हरण हो रहा है इस रंभा की हो, ये या कोई भी उस महिला की हो रही है जो एक उस जाति की ना हो या उस समाज की ना हो। तो चीज़ तो वही है, आपने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदल दिया, लेकिन चीज़ तो वही है, ह्यूमन इमोशंस वही है। हम जब कृष्ण की लीलाएं कर रहे हैं तो हम ह्यूमन इमोशंस की बात कर रहे हैं, उसमें वही नवरस आते हैं जो आपके और भी इसमें जगह आते हैं, जीवन में भी हैं। अगर हम महाभारत की बात है तो कई परिस्थितियां हैं जो आज भी वही परिस्थिति है, तो फ़र्क कहाँ हुआ? आपने सिर्फ उसको एक, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में तो आप सोच, मैं अपने कोई, मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ग्रेट हूँ, लोग कहना चाहेंगे कि वी आर ग्रेट, एब्सोल्युटली वी आर द फर्स्ट वंस, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ कि हम वही कर रहे हैं जो हमेशा होता चला आ रहा है, सिर्फ उसकी जो है आप एक परोसने का जो, मैंने सिर्फ कहा कि आप महाभारत द्रौपदी को उसका नाम ना दे करके उसका नाम कुछ और दे दीजिए, चीज़ तो वही है, तो फ़र्क क्या हुआ? तो वही गांधी ने तो वही सोशल समाज की बात कही जो वहाँ भी हमने बात की है, रासलीलाएँ, वो हमारे महाभारत, हमारी कृष्ण लीलाओं के अंदर अंतर्गत भी जो परिस्थितियाँ हैं, गांधी जी ने भी वही कहा है, विवेकानंद भी वही कह रहे हैं, वही परिस्थितियों का जिक्र कर रहे हैं, रमण महर्षि वही परिस्थितियों का जिक्र है, वो कि हम लोग यमदूत से जो है बहुत, यमराज से बहुत दूर रहना चाहते, लेकिन और वो कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं में भी है जो हमारे ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर रमण महर्षि ने उसी को लेकर के आगे उजागर किया है। शोभना जी, डांस ऑफ द टेंपल्स के बारे में कुछ बताएं। डांस ऑफ टेंपल्स इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैं
70s से खजुराहो जाती रही हूँ, खजुराहो फेस्टिवल में, और जब भी मैं जाती हूँ, जब भी कई बार वहाँ खजुराहो में शायद 8-9 बार डांस करने का मौका मिला है, तो फिर जब भी मैं मूर्तियों को देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि देखिए हम लोग जो हैं पूरा विश्व सिर्फ एक एस्पेक्ट को लेकर के सोचता है, लेकिन अगर आप उसको मूर्तियों को पूरा देखें तो उसमें पूरे जीवन के आश्रमों का जिक्र है उन मूर्तियों की बनावट में, कि आपका ब्रह्मचर्य जीवन को पूरा दर्शाया गया है, गृहस्थ जीवन को पूरा दर्शाया गया है, वानप्रस्थ को पूरा दर्शाया, तो पूरे में आपको पूरे हमारे चारों आश्रमों को उन्होंने स्कल्पचर्स के जरिए दर्शाए। और तभी वो, फिर वो जब भी मैं गई, लोगों से भी चर्चा हुई, सभी से, और फिर वो करते 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 मैंने कहा ना कि यहाँ अगर बैठ जाए तो फिर वो उभर के आ जाता है। आपने शोभना जी तमाम किताबें भी लिखी हैं कथक का जो फॉर्म है उस पर, कला के साथ साथ किताब लिखना, एक डांसर होना, एक राइटर होना, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई और कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा तजुर्बा रहा वो किताबें लिखने का? राइटर, कलाकार का राइटिंग एक्सपीरियंस शायद मेरे जो एक इसमें थोड़ा सा मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में कहना पड़ेगा कि मेरे पिताजी सिविल सर्वेंट थे, मेरी माँ समाज सेविका थी, राजनीति में थी, मेरे नाना 1924 के में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उस जमाने के 1919 में स्वतंत्रता आंदोलन में उनको इम्प्रिजनमेंट भी हुई, मेरी बुआ वो मेरी मेरी माँ की बुआ 1936 में फर्स्ट लेडी एमएलए कॉलोनियल पीरियड में थी, एमएलए थी, तो एक अलग वातावरण था। तो उस वातावरण में हमारे यहाँ समाज सेवा, हमारे यहाँ एक जो सोचने का ये है, एक एजुकेशन पर हमारे इंडियन दर्शन शास्त्र फिलॉसफी और हिंदी संस्कृत लिटरेचर पर बहुत जोर था, तो और साथ ही साथ अपना भी था, मुझे फिज़िक्स अच्छा लगता था तो मैंने फिज़िक्स में मास्टर्स किया, फिर पीएचडी कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, तो ये सब, तो शायद वो बैकग्राउंड है, तो वो एक खोजने की, एक उस पर मनन करने की एक अपनी थी। तो जब लिखना तो बाद में आया, लेकिन जब शुरू में हुआ कि सब लोग कहते थे, बहुत किंवदंतियाँ थी कथक के बारे में कि इस काल में तो वो काल, तो वो काल, तो वो काल, तो मैंने जो उस समय मैं बहुत यंग थी, 1982 की बात होगी या 83 की बात होगी, मैंने उस ज़माने में एक 10 पैसे का इंग्लैंड लेटर होता था नीला रंग का, वो इंग्लैंड लेटर मैंने लिख दिया भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, जो कि महाभारत का खान है, जिसको तो कि भाई सुना है कि कथक जो है, कथक के बारे में मुझे बताइए। मैंने सोचा कि कभी वो जवाब नहीं दे, उनका जवाब वापस आया वही 10 पैसे के इंग्लैंड लेटर में, और उनसे ही मुझे पता चला कि ये तीन जिक्र है कथकों का महाभारत में। फिर इस तरह से तो एक करके ये, फिर ये करते करते करते, फिर जब मैं स्कल्पचर्स मूर्तियों को देखने लगी तो देखा कि भाई जो चूड़ीदार कुर्ता तो आज का नहीं है, वो गुप्तकालीन में मिलता है, एक तो यहाँ हमारे दिल्ली के ही नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है, देवघर से मिला है, भरूच से मिला है, तो इतना पटना म्यूज़ियम में आपको मिलेगा, उस समय लहंगा भी मिलेगा, चूड़ीदार कुर्ता भी मिलेगा, तो जब सब कुछ दिया तो फिर मैंने कहा जो फिर ये नॉलेज को मैं अपने पास क्यों सीमित रखूं, क्यों ना शेयर करूं, और वो फिर वो जो इच्छा है शेयर करने की इच्छा, वो शायद बचपन से ही कि हर चीज़ जो है वो शेयर करो, तो वो शेयर करने की इच्छा, तो ऑब्वियसली राइटिंग इज़ द बेस्ट वे, तो फिर उसमें वो किताबें लिखना शुरू कर दिया और उस तरह से। शोभना जी, आप कथक के जो लिविंग लीजेंड हैं बिरजू महाराज जी, उनकी शिष्या रही हैं, मेरा सवाल ये है जो मुझे कई बार, असल में मैं भी इस बारे में सोचता हूँ कि जब इतने बड़े कलाकार से आप सीखते हो और वो बड़ा कलाकार खुद भी स्टेज पर अभी परफॉर्म कर रहा हो, वो रिटायर नहीं हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो, ऐसे में एक कलाकार के लिए अपनी पहचान बनाना कितना चुनौती भरा होता है? ये जीवन तो चुनौतियों से भरपूर है,
लेकिन मेन चीज है कि हमारे शास्त्रीय नृत्य जगत में, शास्त्रीय संगीत और नृत्य सभी जितने भी, कि गुरु से तो आप देखते हैं क्योंकि वो गुरु तो आपको बनाता है, वो आपको पूरे, लेकिन उससे आगे हमारे जो भारतीय पद्धति है कि उसमें कि आगे आपके अंदर भी तो कुछ अपनी ऊर्जा है, अपनी कुछ सोच है, तो उसको जो आपने सीखा है उसको उसमें कैसे ढाल करके आप पेश करते हैं, और वो और यही कारण है कि हमारे यहाँ भारत में हम बहुत ही इस पर जोर देते हैं, हर एक वो स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो, संगीत हो या नृत्य हो, सभी कि आपके अपनी आपने कैसे सोचा वो नृत्य, और आपने शिक्षा तो ग्रहण की लेकिन आपकी भी सोच तो उसमें है। आपने गुरु की बात कही, जब मेरे गुरु यंग थे उस समय उनके भी तो पूर्वज थे जो दिग्गज लोग थे, वो भी थे, शंभू महाराज जी उस समय थे, लच्छू महाराज जी थे, सभी लोग थे, सितारा दीदी भी थी, तो फिर लेकिन उसमें उन्होंने अपना पे क्योंकि उनकी अपनी एक अलग सोचने का ढंग है, उनके अपना एक अलग उनकी खुशबू है, तो वो खुशबू लोगों को पसंद आया, उनकी अपनी हुनर, और उन्होंने अपना अलग पहचान किया। तो इसी तरह से हर एक आर्टिस्ट जिसकी अपनी खुशबू है, अपना ये है, वो अगर लोगों को पसंद आएगा तो फिर वो अपना पहचान बनेगा, और नहीं आता है अगर उस अपनी तो फिर वो तो कुछ सफल हो रहते हैं, कुछ नहीं सफल होते हैं। शोभना जी, लंबा आपका जीवन है पूरा जो कथक के लिए समर्पित रहा है, बहुत सारे नए कलाकार इस कला को सीख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं, कौन सी दो चार बातें हैं जो आपको लगता है कि उनको ज़रूर करनी चाहिए अगर इस कला को में रमना है, इस कला में जमना है तो? देखिए, सबसे पहले तो कथक की आप जो है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर आप एटलीस्ट एक मास्टरी तो करें। जब मैं कह रही हूँ कथक के टेक्निकल एस्पेक्ट्स वगैरह, वो एक ग्रामर की तरह है, व्याकरण की तरह है। अगर आपके हाथ ही नहीं जा रहा है, आपका पैर जो है ताथे थे तत साफ नहीं जा रहा है, तकिट तकिट नहीं साफ जा रहा है, तो फिर आगे क्या करें, तोड़े क्या है, परन क्या है, आमद क्या है, वो तो चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो व्याकरण जो है वो, और उसमें एक बॉडी की मूवमेंट को रम लेना चाहिए, आपका मन जो है वो कथक में रम लेना चाहिए। जब आपकी वो भाषा, कथक की भाषा आपने अपना लिया है, तब फिर आपकी सोच पर है कि आप उस भाषा को किस तरह, तो ये ज़रूर। और मैं एक चीज़ और कहूँगी, गहराई में जाए, ऊपर ऊपर ना रहें, क्योंकि ऊपर ऊपर रहने से फिर बुलबुले की तरह है, आज है कल चला गया। वो गहराई रहेगी तो वो सागर की गहराई जो है वो आगे तक चलती जाएगी, और वो फिर आप जो भी उम्र हो वो आपके साथ है, क्योंकि कथक तो सिर्फ एक माध्यम है अपनी इमोशंस और को व्यक्त करने का। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक सही ग्रास्प ऑफ द इंटायर ग्रामर ऑफ कथक, और एक गहराई, और उसमें जो है इमोशंस के बगैर कुछ नहीं होता है। जीवन में हम लोग सब एक मुस्कुराहट के लिए जान देते हैं, अगर किसी ने ऐसे मुस्कुराकर नहीं देखा और ये तो पता चल जाता है, तो एक बॉडी भी बता देती कि वो मुस्कुरा रही है बॉडी कि नहीं कर रही है, वो आपसे नाराज़ है कि नहीं, पीठ भी बता देती है कि आपको पूरा चेहरे से ही नहीं बताना, अगर चेहरा बहुत खिलखिलाकर लेकिन आंखें नहीं हंस रही हैं, यहाँ से आप नहीं है तो पता चल जाता है। तो वो गहराई जो है उसमें रमना है। शोभना जी, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपके पास बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं, कुछ कोई एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ बोल जो आप सुनाना चाहें, दिखाना चाहें हमारे जो तमाम विजिटर्स हैं वेबसाइट के, उनके लिए आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक पंचमुखी परण है जिसमें पांचों जातियां हैं, जातियां हैं मतलब कि जो एक तिश्र है, चतुश्र है, खंड है, मिश्र है, संकीर्ण है। लेकिन
नाना ना के तक ताके तिरकर दिंगदा तागे तेरे के ते ताके तिरकर नाना के ते थो तक के ते तीते के ताके तिरकर दिंगदा दा दा ताके तिरकर दिंगदा दा दा ताके तिरकर दिंगदा दा दा नाना ना के तक ताके तिरकर दिंगदा तागे तेरे के ते ताके तिरकर नाना के थो तक के ते ती ताके तिरकर दिंगदा दा दा ताके तिरकर दिंगदा दा दा ताके तिरकर दिंगदा दा दा नाना ना के तक ताके तिरकर दिंगदा तागे तेरे के ते ताके तिरकर नाना के ते थो तक के ते ती ताके तिरकर दिंगदा दा दा ताके तिरकर दिंगदा दा दा ताके तिरकर दिंगदा दा दा कूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी, खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियाँ सो जाएगी। मौत तो आनी ही है। यादों के हसीन बुतखाने में हर चीज़ उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा। बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की जबान से गाऊँगा, जब बीज हसेंगी धरती में और कोपले अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आँखें फिर खोलूँगा, सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूँगा। और ये बहुत लंबा है नज़्म, लास्ट में है, मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। इतना मेरे जैसे तो फिर बस मैंने वो इतनी बार हुआ है, वो मेरा सफ़र इतनी बार हुआ है, और जब भी होता है तो लोग जो है ऐसे रहते हैं। इतना अच्छा। शोभना जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थी शोभना नारायण। अगली बार म्यूज़िकल हेरिटेज के प्लेटफॉर्म पर एक नए कलाकार के साथ, एक बड़े कलाकार के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।